सब्सक्राइब कीजिए परवेज टेक्निकल को और दबाइए बेल आइकन, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि फोन पे बिजनेस और गूगल पे बिजनेस का यूज करने पे आपके दुकान का, आपके शॉप का QR कोड किस तरह आता है। सो आज मेरे पास गूगल पे और फोन पे का 2 QR कोड है, जो कि मैंने वीडियो बनाया हुआ था, तो वो आ चुका है और सिर्फ 5 दिनों के अंदर में मुझे ये मिल गया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है फ़ोन पे बिजनेस से कैसे आप दुकान का QR कोड मंगा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में गूगल पे का एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा कि गूगल पे से आप अपने बिजनेस का QR कोड अपने शॉप से कैसे मंगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी दिखाने वाला हूँ कि इसे स्कैन करके अपने बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है और उसका बैलेंस जो कस्टमर आपको पे करता है उसे कैसे आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये है गूगल पे का QR कोड स्टैंड। इसके साथ मुझे एक ये मिला हुआ है जिसमें इसे हम इस अटैच करके रख सकते हैं, शॉप पे किसी भी तरह से ऐसे खड़ा कर देंगे। और इसके साथ ही साथ आपके दुकान में कहीं पे वॉल है तो आप इसे चिपका सकते हैं। और यहाँ पे मुझे फ़ोन पे का मिला हुआ है जिसमें मैंने पहले से वीडियो बना दिया हुआ है, तो फ़ोन पे भी मुझे QR कोड का स्टैंड नहीं मिला था, मुझे सिर्फ ये मिला था जिसे वॉल पे आसानी से आप इसे चिपका सकते हैं और अपने कस्टमर से आप डिजिटली पेमेंट ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको कस्टमर के पेमेंट लेने में या ट्रांजैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहां पे कस्टमर का सपोर्ट दिया गया है, आप इस पे कॉल करके आप कस्टमर का सपोर्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे बिजनेस में आ जाना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करते ही सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी, जिसे आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे कोई ईमेल आईडी। चलिए हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, यहां पे हम अलाउ कर देंगे। इसके बाद यहां पे आप ऐड ए न्यू बिजनेस पे क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करते ही आपके पास सबसे पहले यहां पे आप बिजनेस का डिटेल देंगे, जैसे यहां पे रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, आप किस नेम से चलाना चाहते हैं उसका नाम देंगे यहां पे। इसके बाद यहाँ पे शॉप नेम देंगे, जो भी आप शॉप नेम देंगे वो कस्टमर जब आपको पे करेगा तो वही आपको शो करेगा। इसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे टाइप ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरह का है, यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे या आप यहाँ से इंडिविजुअल भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने शॉप का कैटेगरी चूज कर सकते हैं, किस टाइप की है, फूड, रेस्टोरेंट, हेल्थ सर्विस, होटल, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विस। इसके बाद यहाँ पे आप अपने ओनर का नाम दे देंगे, यानी कि जिस शॉप जो भी है आपकी वो किसके नाम से है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, अदरवाइज किसी का भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपको अपना एरिया का पिन कोड देना होगा और शॉप नंबर, और यहाँ पे एरिया लोकेलिटी और विलेज देना होगा, और यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे स्टेट, और इसके बाद कन्फर्म ऑन मैप पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म ऑन लोकेशन को क्लिक करते ही आपके सामने पॉइंटर आ जाएगा, जहाँ पे आप अपनी शॉप है आपकी वहाँ पे पॉइंटर को ले जाके आप कन्फर्म ऑन लोकेशन कर देंगे तो आपका कन्फर्म ऑन लोकेशन ओके हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा, जो कि मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से और आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। OTP ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पे अपना एक पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करेंगे और यहां पे आप पैन नंबर देंगे और यहां पे आप नेक्स्ट करेंगे। GST नंबर आपको कोई देना ज़रूरी नहीं है। पैन कार्ड अपलोड करने के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट अपने कैमरे से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं या चूज़ इमेज करके आप गैलरी से भी इसे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट नंबर देना होगा और इसके बाद यहाँ पे IFSC कोड। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे फाइंड IFSC कोड पे क्लिक करके आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट डिटेक्ट हो चुका है और आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट करते ही आपके सामने कुछ समरी आ जाएगी जिसमें आपका नाम, आपके शॉप का नाम, जो कस्टमर आपको जब पे करेगा तो वो क्या शो करेगा, इसके बाद आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की डिटेल और अकाउंट नंबर भी आ जाएगा, इसे आप सबमिट कर लेंगे। क्योंकि अभी ये अंडर रिव्यू में चल गया है तो चलिए जब से हम आपको QR कोड का पेमेंट कैसे होता है ये हम आपको करके दिखा देते हैं। इसके बाद हम आपको लास्ट में दिखाएंगे कि आप जो पेमेंट करते हैं वो फ़ोन पे बिजनेस एप्लीकेशन में शो कैसे करता है और कहां करता है। इसके साथ साथ ही हम ये भी दिखाएंगे आपको कि आप अपना QR कोड कैसे मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन में आ जाना है। फ़ोन पे एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम सामने QR कोड को लाएंगे और यहाँ इसे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ऊपर साइबर पॉइंट का नाम आ चुका है और साथ ही साथ मोबाइल नंबर और UPI ID भी आ चुकी है। यहाँ से हम जो भी इंटर अमाउंट करना चाहते हैं या कस्टमर जैसे आपको पे करना चाहता है तो यहाँ से हम इंटर करेंगे अमाउंट, और साथ ही साथ इसके बाद हम बैंक सेलेक्ट करेंगे और बैंक सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से पे करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। ये हमने गूगल पे का दिखा दिया आपको। इसके बाद हम चलिए अब फोन पे का आपको दिखा दे रहे हैं। सेम इसी तरह है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम फोन पे का QR कोड स्कैन करेंगे और फोन पे का QR कोड स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम इंटर अमाउंट कर देंगे और यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से पे पे क्लिक करके पे कर देंगे। इस तरह से QR कोड से पे करने में बहुत ही आसानी है। डिजिटली पेमेंट लेन देन में बहुत इजी पड़ता है कस्टमर से पेमेंट लेने में। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पे रेटिंग भी दे सकते हैं। इसके बाद हम वापस से फोन पे बिजनेस में आ जाएंगे। फ़ोन पे बिजनेस में आने के बाद आप चाहे तो यहाँ से QR कोड अपनी शॉप पे मंगा सकते हैं, अपने घर पे मंगा सकते हैं। यहाँ से सिर्फ योर फ्री प्रिंटेड QR कोड विल शिप टू कंफर्म कर देंगे यहाँ से, तो आपका जो QR कोड है वो शिफ्ट हो जाएगा। साथ ही साथ सिर्फ 5 दिन के अंदर में आपके दुकान पे या आपके घर पे आपका QR कोड आ जाएगा। जो भी आपने इसमें एड्रेस फिल किया हुआ है उस एड्रेस पे आपका QR कोड स्टैंड आपके घर तक आसानी से पहुंच जाएगा।